ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੌਂਚਾ ਪਾਉਣੇ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਂਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪੌਂਚਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੋ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਂਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌਂਚਾ ਸੌਖੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੌਂਚਾ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿੰਨੀ ਪੌਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 26 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 52 ਇੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹ 4 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਚਾਰ ਪੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੌਂਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਲੰਬਾਈ ਪੌਂਚਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੜਾਈ ਪੌਂਚਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਣ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਂਚੇ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ
इस तरह कुंदा जोड़ा ना कुंदे के पौचे आपस मिला के सिलाई करो। इस तरह अपनी सलवार तैयार हो जाऊगी। सिलाई सिलाई लग गई। इस तो बाद अपन ये वाल पावांगे। असी सूनू ये एक साइड से वल पा के दिखाए हैं। हूँ असी सूनू एक साइड से अद्धा बैल्ट में बराबर जाना चाहिए। उस तरह वल पूरा करके दिखाने इस तरह अद्ध तक बैल्ट आए। कपड़ा बड़ा बराबर होना चाहिए। यदि आप सिलाई कर दें हूँ आप बैल्ट बैल्ट में जोड़िया सिलाई करके। बस ये असी सूनू कागज़ राही एक प्रूफ दिखाया। दूसरी तरफ भी आप इवें जिमें वल पा के इस तरह बैल्ट जोड़ांगे। हूँ असी सानू कपड़े ते कटाई किवें करांगे वो दिखा रहे हैं। हूँ आप जो कपड़ा जैम्पर नालों बचा सी साइड तो पीस बचा
वो लवेंगे। लंबाई आपू कत्ती प्लस एक 32 इंच चाहिए है, 32 इंच ते आपां निशान देवांगे। बत्ती इंच ते निशान ला के आपस विच मिलाओ। आपस विच मिला के इहदा निशान लाओ। इन फोल्ड करके देखांगे कि सानू मूहरी वास्ते कितना कपड़ा चाहिए किन्ना ते अपने कोले किन्ना। अपने कोले 8 इंच है, जदों कि आपां नूं मूहरी घट चाहिए, अपने कोले 5 आ, मूहरी बहुत। हुण आपां कपड़ा दूर करांगे। अपने कोले कपड़ा पूरा जे चाहिए तो 32 इंच हो चाहिए, विच 11 इंच प्लस 32 प्लस 11 43 इंच कपड़ा पूरा चाहिए सी, जदों कि अपने को 43 इंच कपड़ा लंबाई नहीं है, इसलिए आप 32 इंच ते निशान देवांगे। बाकी आसन लई आप बाद च कटाई कर लेंगे। दूसरी साइड तो आप उपरों निशान लाया तो इधरों आप नीचे तो निशान लावे आउटसाइड। दोनों लाए हुए निशाना आपस विच मिलावे, इंची टेप की मदद नाल निशान देवे। हुण आपां इहदी कटाई करांगे। एक साइड तो कपड़ा अपने कोल उपरों जुड़िया होया उसकी कटाई करांगे। मैं अपने को चारों कुंदे कटाई करके तैयार है। इन्हों आपस में मिला के देख सकते हैं अपन कि चारों कुंदे बराबर बराबर कटाई, जो अपनी कटाई सही आती है तो चारों कुंदे हमेशा बराबर आएंगे। जो कोई गांह पिछा से उतों कटाई हो भी जाती है तो बराबर कर लो। हूँ अपन आसन चाहिए 11 इंच, जो कि अपने को कपड़ा घट होने करके आसन रह गया सी 9 इंच, तो आपको चाहिए 11 इंच। आप इतों 11 इंच ले लेंगे, इधरों फालतू कपड़ा ला देंगे। हम अपने कुंदे तैयार है कटाई, पौचा अपने को अगे लगन वाला तैयार है। हूँ असी सूनू जोड़न वास्ते किवें इन्हों सिलाई देनी है वो दिखावे। हूँ अपने को दो कुंदे है कट्ठे पाए हुए, ये नाल दूरा करके आपका पौचा पा लिया जो आप पहला कपड़ा कट्टिया इधर भी इसी तरह।
जिस तरह असी सानू कागज़ पर कट के दिखाया उस तरह यदि सिलाई कर देनी, क्योंकि मशीन पर सिलाई दिखाने समझ घट आती है, इसलिए असी सानू प्रूफ बना के दिखा चुके। बैल्ट बैल्ट अपन 26 इंच चाहिए, तो अद्धा इंच अपन वध चाहिए है ता कि अपने को 26 इंच तैयार रहे जी। 26 इंच नू डबल करो 26.5, 26 इंच 52 इंच अपने को तैयार चाहिए है। अद्धी बैल्ट अपन 26.5 चाहिए है, तो 52 पूरी अपन 53 चाहिए है, तो अपने को 52 इंच बैल्ट का कपड़ा 26 इंच तैयार रह जूगा। बैल्ट चढ़ाई अपन चाहिए 4+2 अपन 6 इंच।